ओके अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑपरेटर एंड इंटरपोलेशन। तो देखिए इसको शुरुआत करने से पहले तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, लेट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन आर एन प्लस वन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। तो ये आपके पास इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब कि आपके पास हर एक पॉइंट में जो आपके पास डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन इज टू एच, ठीक है, वेयर फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू अप टू एन। ओके सो नाउ नाउ लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हूज वैल्यूज एट These points are, let's say y naught, y1, y2 up to yn, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास, तो देखिए वाई आर आप क्या लिख सकते हैं, सो वाई आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर, ठीक है, फॉर ऑल आर इक्वल टू जीरो वन टू अप टू एन, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये क्या बन रहा है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्स वाई, तो x0 पर आपके पास क्या वैल्यू है, x0 पर आपके पास y0 वैल्यू है, x1 पे आपके पास y1 वैल्यू है, x2 पे आपके पास y2 वैल्यू एंड सो ऑन। आपके पास xn माइनस वन पर आपके पास yn माइनस वन वैल्यू है, आपके पास xn पे yn वैल्यू है। ओके तो ये बात आप समझ गए। तो यहां पर मैं पहले बात करना चाहता हूं ऑपरेटर में आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर की। तो पहला हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर आपके पास क्या है, देखिए नाम से बदल रहा है, आपके पास ये शिफ्ट कर देगा। आपके पास जब भी एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट होगा, हमें से ई से डिनोट करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर को, जब आपके पास ई एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट होगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जब ई डबल ऑपरेट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो हो ही जाएगा, ठीक है। आपके पास एक तो मैं लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट आपके पास क्या जाएगा, आगे और शिफ्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं पूछूं आपके पास ई थ्री एफ एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आप एफ एक्स पर ऑपरेट होगा तो आपके पास ये क्या होगा, सिंपली एक्स प्लस थ्री एच हो जाएगा। ओके अब मैं आपसे n टाइम्स पूछूं, अगर एफ एक्स पर ऑपरेट हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। ओके देखिए जब आपके पास ई ऑपरेटर n टाइम्स ऑपरेट होगा एफ एक्स पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। अब ई इनवर्स ऑपरेट होगा आपके पास, ई इनवर्स ऑपरेट होगा एफ ऑफ एक्स पर, तो आपके पास ये क्या होगा, देखिए ये इसे पीछे शिफ्ट कर देगा, इनवर्स ऐसे पीछे शिफ्ट कर देगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ओके अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको यूं दे रखा है कि ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई एफ ऑफ अल्फा, ये लिख सकता हूँ मैं इसे। अब देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स कब आएगा, तो आपके पास ई जब मतलब कि एफ ऑफ अल्फा पर ऑपरेट हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जरूर ही आपके पास एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा आपके पास होगा एफ एक्स माइनस एच, ठीक है, इजी था ये आपके पास, ये समझ में आ गया आपको बात की। ओके आपके पास ई दी माइनस टू ऑपरेट होता है, ई दी माइनस टू ऑपरेट होता है एफ ऑफ एक्स पर, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच, सिंपल। ओके ई दी माइनस थ्री ऑपरेट होता है आपके पास, ई दी माइनस एन कर लीजिए चलो आप, एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट होता है तो आपके पास आएगा एफ एक्स माइनस एन एच, ठीक है। अगर हम आपसे यूं पूछूं ईडी हाफ ऑपरेट होता है अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स पर, तो ये क्या होगा आपके पास, हाँ जी आपके पास होगा एफ एक्स प्लस एच बाई टू। ईडी माइनस हाफ एफ एक्स पर ऑपरेट होता है तो क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ओके तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ही हमारे पास ये शिफ्ट ऑपरेटर पहला हमने कवर कर लिया सारा, ठीक है।